बिहार में वैसे तो 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बेगूसराय की सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुवादी चेहरा गिरिराज सिंह और वाम दलों के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने से चुनाव काफी रोचक हो गया है। गिरिराज सिंह जहां मंदिर मंदिर घंटा बजा रहे हैं, तो कन्हैया कुमार हर नुक्कड़ पर डफली पीट रहे हैं। बेगूसराय के चुनावी रण में जब से गिरिराज सिंह कूदे हैं, तब से वे मंदिर जाना नहीं भूल रहे। इलाके के भ्रमण के दौरान जो भी मंदिर मिल रहा है, सबसे पहले वे मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मंदिर का घंटा बजाते हैं। उसके बाद ही वे जन संपर्क पर निकलते हैं। इसके माध्यम से वे बताने की कोशिश में हैं कि वे कट्टर हिंदू हैं। इतना ही नहीं, वे माहौल बनाने के मकसद से मंदिर में पूजा पाठ करने और घंटा बजाने का फोटो भी जारी करते हैं। मंदिर जाने के पीछे उनकी मंशा भगवान का आशीर्वाद लेना तो होता ही है, लेकिन इसके पीछे का हिडन एजेंडा चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करना है। घंटा बजाने के बाद गिरिराज सिंह का निशाना कन्हैया कुमार होते हैं। वे कन्हैया कुमार को कोसने का कोई मौका हाथ से नहीं गवाते हैं। इधर बीजेपी के धुर विरोधी और गिरिराज सिंह के ही समाज के आने वाले बेगूसराय की मिट्टी में जन्मे कन्हैया कुमार भी उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे कन्हैया भी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। वे गांव के नुक्कड़ पर सभा करते हैं, स्थानीय भाषा में बात करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि वे इसी मिट्टी में जन्मे हैं, लिहाजा वे देशद्रोही नहीं हो सकते। वे गांव गवैये अंदाज में अपनी सभा करते हैं और नुक्कड़ में डफली बजाना नहीं भूलते। डफली बजाकर वे आम मतदाताओं को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं नुक्कड़ पर डफली पीटने के बाद कन्हैया गिरिराज पर हमला बोलने से भी नहीं चूकते। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणात्मक मुकाबले की संभावना है। बीजेपी ने इस सीट से अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को उतारा है। वहीं सीपीआई के टिकट पर कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में हैं, जबकि राजद की तरफ से तनवीर हसन चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार अपनी लड़ाई बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह से बताते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।